তোমার বোম্বে থেকে ফোন এসেছে বোম্বে থেকে ফোন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবার তো তোমায় আর চকলেট দিতে হবে তোমার কি অনেকদিন পর পর ফোন আসে কেন তোমায় আর চকলেট চাই হ্যাঁ একটা ফোনের জন্য একটা চকলেট হ্যাঁ স্মার্ট বয় আকু ফোন তোমার ফোন মনে হয় তোমার মায়ের হ্যালো शिखा कैसी है तू अच्छी हूँ मम्मा उस दिन फोन किया था दादा का बर्थडे था किसी को याद ही नहीं था हाउ कम अरे यहाँ पे तो किसी को कुछ भी याद नहीं रहता क्या बात है मम्मा कुछ प्रॉब्लम चल रही है प्रॉब्लम नहीं जिंदगी चल रही है मम्मा आप मुझे बहुत उदास लग रही हैं उदास तो सारा घर है सब कुछ बिखरा बिखरा सा पड़ा है क्यों मम्मा मुझे तो रोना आ रहा है रोना मत रोने से कुछ नहीं होने वाला अच्छा वो सब जाने दो शिखा मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि उस दिन डैडा मुझे एक खुशखबरी सुना रहे थे क्या वो सच है कौन सी खुशखबरी बदनाम मत तू जानती है मैं क्या कहना चाहती हूँ वो खबर तो सच है जो डैडा ने आपको बताई है शायद कौन है वो क्या करता है नाम क्या है माँ बाप कौन है बिल्कुल यही सवाल डैडा ने भी मुझसे पूछे थे और मैं भी इसलिए पूछ रही हूँ कि डैडा भी मुझे इन सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पाए तब तक तो मुझे भी नहीं मालूम थे इन सवालों के जवाब ठीक है अब तो मालूम हो गया ना अब तो बता दो नहीं अभी भी सब सवालों के जवाब नहीं मिले हैं नहीं मिलेगा क्या मतलब अरे मिलने चाहिए पहले सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए फिर प्यार करना चाहिए ना इतनी कैलकुलेटेड मैं कभी नहीं रही जिंदगी में मम्मा थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना चाहिए बेटा वरना कोई भी आके तुम्हें धोखा देके चला जाएगा दैट्स देयर प्रॉब्लम मेरी आदत है यकीन करना मैं यकीन करूंगी बस शिखा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है तुम्हारी बातों से डैडा और मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ जाते हैं वहाँ नहीं मम्मा ऐसा ना करना यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है सब ठीक है आई श्योर यू ये जिंदगी के उतार चढ़ाव है मम्मा लेट मी हैंडल इट पहली बार तो जिंदगी में अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ आई हैव ग्रोन नाउ मम्मा अगर कभी ऐसी नौबत आई और मुझे लगा कि मैं हार रही हूँ आई विल कॉल यू आई प्रॉमिस मम्मा थैंक यू शिखा इतना कॉन्फिडेंस बहुत है जीने के लिए और ये सुनकर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हो तुम्हें इस घर ने कुछ नहीं दिया लेकिन तुम्हारे पापा आज रूपाली के लिए जो भी कर रहे हैं वो शायद तुम्हारे लिए कभी नहीं करते मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए लेकिन यही सच्चाई और तुम जितनी जल्दी सच्चाई से वाकिफ हो जाओ उतना अच्छा है तुम्हारे लिए भगवान करे कि तुम रूपाली से भी कहीं आगे निकल जाओ शिखा मुझे रूपाली से ज्यादा तरक्की नहीं करनी है मुझे किसी से ज्यादा तरक्की नहीं करनी है मामा मैं किसी रेस में शामिल ही नहीं हूँ मैं किसी से कम्पीट करना नहीं चाहती जो रूपाली को मिला है उसकी तकदीर है शी इज लकी मैं तो खुश हूँ मेरी बहन है ना हम सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं हम सबके पास अपने अपने सुख दुख होते हैं किसी दूसरे के साथ कंपीट करके मुकाबला करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तब हम मुकाबला करते हैं उससे ज्यादा सुख पाने का उससे ज्यादा खुश रहने का लेकिन बदले में हम क्या पाते हैं उससे ज्यादा दुख उससे ज्यादा तकलीफें मम्मा हमारे ऑफिस में एक विशुदा है विशुदा कहते हैं कि जब हम अकेले दौड़ते हैं तो सिर्फ दौड़ते हैं उसमें एक अलग आनंद है एक अलग मज़ा है लेकिन जब हम किसी दूसरे के मुकाबले में दौड़ने लगते हैं तो उसमें हार और जीत शामिल हो जाती है और दौड़ने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है शिखा तेरी उम्र क्या है ऐसी बातें करती हो जैसे गौतम बुद्ध का सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया हो ज्ञान तो आ गया है मामा बुद्ध का या किसी और का पता नहीं शिखा मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो मैं फिर से कहती हूं अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करना हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा गॉड ब्लेस यू बाय बाय मम्मा और डैडा को भी बाय बोलना ठीक है काश मैं तुम्हें ये बता सकती थी कि रूपाली और संजीव की शादी हो रही है
तो दूल्हे मियां तैयार हो ना? संजीव क्या बात है, तुझे खुशी नहीं है? यार बॉबी, खुशी है भी और नहीं भी। जिन हालात में सब कुछ हो रहा है वो खुशी दे भी रहे हैं और छीन भी रहे हैं। संजीव ज्यादा सोचो मत, सोचने से खुशी भी परेशानी में बदल जाती है, और इस मौके को तुझे खुशी का मानकर चलना होगा, चाहे वजह कुछ भी हो। आज का दिन तेरी शादी का दिन है। नहीं बॉबी, आज का दिन किसी जाते हुए इंसान के अधूरे सपने का दिन है, जो जाते जाते अपने परिवार की खुशी देखना चाहता है। संजीव वजह कुछ भी हो, मकसद एक ही है, खुशी। और आज तुझे खुश रहना होगा, चाहे तू खुद के लिए रहे या फिर इंदर अंकल की आखिरी हसरत के लिए। आई थिंक यू राइट। सबको तुम पर गर्व है बेटी, तुम हमेशा दो खानदानों के बीच एक कड़ी बनकर रही हो। रवि नैयर की बेटी होकर तुमने जया प्रसाद के कारोबार को बहुत जिम्मेदारी से संभाला है। भाई बहन के रिश्तों के बीच एक समझौते का पुल बनकर दो किनारों को जोड़े रखा है, और आज इंदर की खुशी के लिए बिना किसी तैयारी के तुम शादी के लिए भी राजी हो गई हो। डाड़ा, मैं कोई भी बड़ा महान काम नहीं कर रही हूं, मैं तो सिर्फ वही कर रही हूं जो मम्मा पापा चाहते हैं। और फिर मेरी शादी तो वही हो रही है ना डाड़ा, जहां मैं चाहती थी। एक बेटी को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसके माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ हो। सुना आपने डाड़ा, सुना आपने? तभी मैं हमेशा से कहता हूं कि ये मेरी बेटी है। ये हमारी बेटी है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये इनका बेटी है, ये उनका बेटी है। अरे तुम सब मिल के हमका तो भूल ही गए। अरे ये हमार पोती है। सीताराम बेटी, बेटिया सीताराम। यस, तुम मुझे नहीं पहचानती पर मैं तुम्हें पहचानती हूँ। वो मिस्टर मजुमदार है ना, मैं उनकी बेटी प्रिया हूँ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ नहीं नहीं, आप गलत घर आ गई है, आपके पिताजी का घर उस तरफ है। मुझे मालूम है, मेरी डोली यहीं से उठी थी, लेकिन तुम तब यहाँ रहने के लिए नहीं आई थी, वरना हमारी मुलाकात पहले ही हो गई होती। अच्छा होता कि हमारी मुलाकात हो गई होती। मैं आपके पति से मिल चुकी होती, और जो धोखा मैंने खाया है। तुमने कोई धोखा नहीं खाया है शिखा। क्या अब तब ये कहेंगे कि सौरभ ने मुझसे कभी झूठ कहा ही नहीं? हाँ, मेरे पति ने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो सच ही था। सच था? ऐसी सौरभ ने मुझसे कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है, क्या ये भी सच था? हाँ वो भी सच था। क्या बात कर रही हैं आप, कुछ पता है? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ शिखा। तो फिर? लेकिन वो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हर सच्चाई के ऊपर झूठ की इतनी परतें हैं कि सच सामने दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन शिखा आज मैं तुम्हें बताऊंगी सच्चाई क्या है। लेकिन और
जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए तुम बीच में कुछ मत बोलना प्लीज। मैं सौरभ से नहीं बल्कि उसके एक दोस्त जॉय से प्यार करती थी। जॉय ने ही मुझे सौरभ से एक दो बार मिलाया था। मैं और जॉय शादी करने वाले थे लेकिन मैंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी। उसके प्यार में मैं इतनी दीवानी हो गई कि मैं अपनी कौन कौन सी सीमाएं लांघती चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई तो वहां मैंने जो सुना वो सुनकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैं जॉय के बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने जब ये खबर जॉय को सुनाई तो उसने खुश होने का खूब नाटक किया। उसे मैं नाटक इसलिए कह रही हूं क्योंकि उसके दूसरे दिन से ही जॉय गायब हो गया, कहीं भाग गया। उसने वो कमरा तक छोड़ दिया जहां वो रहता था। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर मैं सौरभ के पास गई। सौरभ ने मुझे काफी सहारा दिया। हम दोनों ने मिलकर जॉय को फिर ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं ना मिला। आखिर में थक हार के मैंने ये तय किया कि मैं इस बच्ची को जन्म नहीं दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ सुना है पर मैं मजबूर हूँ सौरभ। मजबूर? पर क्यों प्रीति? सौरभ जब लोग मुझसे मेरे बच्चे के बाप का नाम जानना चाहेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? इस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। सौरभ तू? हाँ प्रीति, मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है प्रीति, मैं तुमसे शादी करूंगा। तमाम दुनिया वालों के सामने हम पति पत्नी की तरह रहेंगे लेकिन निजी जिंदगी में तुम हमेशा पवित्र रहोगे। सौरभ तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी सौरभ, कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। बस हमारी शादी हो गई। यकीन मानो मैं कई बार सोचती रही कि मैंने जॉय से प्यार क्यों किया। मैं शुरू से ही सौरभ को क्यों ना मिली। बट बिलीव मी, मेरे और सौरभ के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता कभी नहीं था, कभी नहीं। शादी के बाद ही सौरभ ने जॉय को ढूंढ निकाला था। वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था। सौरभ ने फिर एक बार मुझे और जॉय को मिला दिया।
जॉय अपने किए पर काफी शर्मिंदा हुई और उसने कहा कि जब ये शादी हो ही चुकी है तो इस नाटक को थोड़ी देर और जारी रखा जाए। तब तक उसका ऑस्ट्रेलिया वाला काम भी खत्म हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे और तब तक मैं और सौरभ हमारी डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। इसी दौरान सौरभ को तुम मिल गई। उसी दिन सौरभ आकर मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारी एक एक बात वो मुझे बताता रहा। उसने उसने मुझे तुमसे मिलाना भी चाहा, लेकिन लेकिन कहा कि जॉय को वापस आने दो, हमारा डिवोर्स हो जाए और जॉय से मेरी शादी हो जाए, बस उसके बाद ही वो मुझे तुमसे मिलाएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप को तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था ना। और उसी बीच तुमने सौरभ की वो तस्वीर देख ली और तुमने ठीक उसी तरह रिएक्ट किया जिस तरह तुम्हें करना चाहिए था। तुमने सौरभ की एक न सुनी, वो भी सही किया। फिर मैंने सौरभ से कहा कि ये सब मेरे ही वजह से हुआ है, इसीलिए मैं आऊंगी तुम्हारे पास तुमको समझाने। और मैं सौरभ को इतना गलत समझा। नहीं शिखा, गलती तुम्हारी नहीं है, बस हालात गलत था। I'm so sorry. I'm really. अब वो कहाँ मिलेगा सौरभ, कहाँ मिलेगा? अब उसने कहा है कि हाँ, तुम दोनों पहले जहाँ मिला करते थे वो कल वहीं पर तुम्हारा इंतजार करेगा।